हेलो फ्रेंड्स, मैं मोनालिसा और आज मैं एक नई रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि है निमोना, मटर का निमोना। और उसके लिए हमको चाहिए ये मटर है, हरा मटर, ये आलू इसको मैंने काट लिया है छोटे छोटे, और जो बाकी मटर थे उसको मैंने पीस लिया है, हल्का मोटा ही पीसा है इसको, मोटा ही पीसा है मटर को। और ये प्याज, अदरक, लहसुन है जिसका हम पेस्ट तैयार कर लेंगे, और ये गोभी जिसको काट लिया है मैंने, नमक, एक कोरिएंडर लीव्स है, धनिया पत्ता है, तेल ले लेंगे बनाने के लिए, और ये सारे मसाले हैं जो 5 फोरन है, ये गरम मसाला है, लाल मिर्च पाउडर है, धनिया पाउडर, हल्दी, और ये बे लीफ, तेज पत्ता है। मैंने पहले से ही कढ़ाई को चढ़ा रखा है, फ्लेम ऑन कर दिया है। अब इसमें हम तेल डाल देंगे, पहले हम सब्जियों को फ्राई कर लेंगे, गोभी और आलू को। अब हम गोभी डाल के हल्का फ्राई कर लेंगे, उसके बाद इसमें हम आलू ऐड करेंगे। देखिए गोभी हल्का सा हमारा फ्राई हो चुका है, अब इसमें हम आलू डाल देंगे और इसको पकने देंगे सबके ऊपर, आलू को भी। देखिए आलू भी थोड़ा सा पक चुका है, अब इसमें हम ये जो मटर के दाने हैं इसको भी डाल के कुछ देर फ्राई कर लेंगे। और आपको वो कभी चेंज करने का मन हो, मतलब अलग से सब्जी खाने का मन हो, तब ये हम हरे मटर का निमोना बना के खा सकते हैं, बहुत ही स्वादिष्ट होता है। और हमारे मिथिला में इसे, इस सब्जी को बोदला बोलते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मेरी निमोना की रेसिपी पसंद आएगी, तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को और लाइक करिएगा मेरी वीडियो को। देखिए फ्राई हो चुका है, आलू गोभी और मटर सब डन है, इसको हम निकाल लेंगे। तेल डालेंगे हम, दो से तीन बे लीफ, और ये 5 फोरन डाल देंगे, इसको पकने देंगे। फोरन पक चुका है, अब हम इसमें ये पेस्ट, देखिए जो मैंने आपको दिखाया था प्याज, अदरक और लहसुन का पेस्ट है, इसको हम भून लेंगे। धनिया पाउडर डाल देंगे 2 चम्मच, और ये लाल मिर्च पाउडर आप तीखा जितना पसंद हो उस हिसाब से डाल लीजिए, और ये हल्दी, थोड़ा सा पानी डाल के मसाले को पका देंगे। अब इसमें हम ये मटर का जो पेस्ट मैंने तैयार कर रखा था ये डाल दिया, इसको थोड़ा मोटा ही पीसना है, ध्यान रखें, और इसको कुछ देर हम पका लेंगे। देखिए फ्रेंड्स ये मटर भी फ्राई हो चुका है, अब हम इसमें ये फ्राइड आलू गोभी और मटर है उसको डाल देंगे, और बस कुछ देर अच्छे से इसको हम मिक्स कर लेंगे। अब इसमें जैसे कि मैंने नमक नहीं डाला अभी तक, अब हम नमक डाल देंगे, स्वाद अनुसार नमक डालना है। दे रहे हैं
मोटी या पतली आप अपने हिसाब से पानी डाल सकते हैं। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, उबाल आने देंगे इसमें। तैयार है हमारे ये दिमोना, हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। इस निमोने को हम, निमोना की सब्जी जो है मटर की, इसको हम प्लेन राइस के साथ खाएं तो बहुत ही टेस्टी लगता है प्लेन राइस के साथ। वैसे आप चाहें तो चपाती और पूरी के साथ भी खा सकते हैं। गर्मा गर्म सर्व करें। हरे धनिया से हम गार्निश कर लेंगे इसको। उम्मीद है कि आपको मेरी ये निमोना की रेसिपी पसंद आई होगी। थैंक यू।